आज हम वर्क टाइम रिलेशन पर लेक्चर थ्री के पार्ट टू की बात करेंगे। इसमें हम डिफरेंट जो पॉसिबल क्वेश्चन है पीपीएससी के एग्ज़ाम में या पीएससी के एग्ज़ाम में जनरल एबिलिटी के पेपर में आ सकते हैं उन पे बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, इसमें ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इसमें अब हमने पहले क्या करना है, ए का वन डे वर्क फाइंड करना है, वो क्या है हमारे पास 1/18 है इस तरह। उसके बाद हमारे पास बी का वन डे वर्क क्या है 1/15 है। हमारे पास बी का 10 डे वर्क क्या होगा, जो वन डे वर्क है उसका 1/15 है, उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल वर्क आ रहा है उसका 2/3 जो है वो बी ने कर लिया है। अब इसको समझने के लिए ये देखें कि हमारे पास टोटल फ्रैक्शन में कितने यूनिट हैं, 3, जो मिलके एक बन रहे हैं, तो इसमें 2/3 जो है इस फ्रैक्शन का हो चुका है और 1/3 जो है वो हमारे पास बाकी बचा है। अब हमने ये मालूम करना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिनों में करता है। अब वैसे रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आप जो ए वन में से इसको जो उसने बी ने काम कर लिया वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो 1-2/3 क्या आएगा, 3 LCM आ जाएगा, 3-2 1/3, यानी 1/3 जो है हमारे पास काम रहता है। उसके बाद हम देखें कि जो वन जो कंप्लीट वर्क है वो ए कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, ये ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है कि ए जो है वो मुकम्मल काम 18 दिनों में कर सकता है, तो इसका मतलब है 1/3 ऑफ वर्क डन बाई ए क्या होगा, 1/3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डेज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज है एंड बी इन 8 डेज, ए एंड बी अंडरटेक इट टू डू इट फॉर RS 3200 विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। अब ए और बी ने एक काम लिया है 3200, उनको इसके बस जो है पैसे मिल रहे हैं, ये डील फाइनल हुई है, और वो एक तीसरा बंदा जो सी अपने साथ शामिल करते हैं, तो टोटल काम जो 3 दिनों में ख़त्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है, ए का वन डे वर्क निकालना है, उसके बाद बी का, उसके बाद ए और बी का टुगेदर जो 3 दिनों का वर्क है वो निकालना है और उसे टोटल में से माइनस कर देना है, ताकि जो सी ने 3 दिनों में काम किया है उसका हमें पता चल सके। इसमें देखिए ए ने काम क्या किया है, एक दिन का उसका जो काम है वो क्या आ जाएगा 1/6, बी का 1/8, तो ए और बी का वन डे वर्क क्या होगा 1/6 + 1/8, इन दोनों का LCM लें तो 24 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/24 उनके ए और बी का कलेक्टिव वन डे वर्क। अब इसमें हम ए और बी का 3 दिन का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 7/8। अब हमारे पास ए और बी का जो 3 दिनों का वर्क है वो आ गया है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो काम है इसके अलावा जो उन्होंने टोटल काम ख़त्म किया वो सी ने किया है, तो सी का 3 डेज वर्क क्या आएगा 1-, ए और बी का कलेक्टिव शेयर जो है 3 दिनों का, तो ये निकाल दें तो क्या आएगा 1/8। अब टोटल जो है वो 3200 पे कर रहे हैं और जो सी ने 3 दिनों में काम किया है वो क्या है 1/8, तो अब इसको सी ने जितना वर्क किया है उसको उसके शेयर के मुताबिक 1/8 × 3200 उसके उसको पैसे मिल जाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई और वर्ड प्रॉब्लम है जो इस सेम टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर कमेंट में क्वेश्चन करें,